वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम सुदेशना फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड वेलकम टू द केजी क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे इज मैथ्स क्लास एंड वी विल डिस्कस योर चैप्टर नंबर 18 विच इज इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लीकेशन. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके नाउ वी विल लर्न हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं. ओके सो जस्ट लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट दिस इज. दिस इज अ ग्रुप ऑफ फोर पेन्स. ओके ये एक ग्रुप है किसका, चार पेन्स का. ठीक है, 1, 2, 3, 4. ओके स्टूडेंट, दिस इज द ग्रुप ऑफ फोर पेन्स. ओके नाउ एंड वॉट दीज आर, यस दीज आर टू ग्रुप्स ऑफ फोर पेन्स ईच. ये जो एक ग्रुप है ये कितने का ग्रुप है, फोर पेन्स का ग्रुप है. ठीक है, हर एक ग्रुप, दोनों ग्रुप में कितने कितने पेन्स हैं, फोर पेन्स. ओके नाउ सी रिपीटेड एडिशन. ओके स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन से भी कर सकते हैं, आपको पता है. हम उसको ऐड करके भी हम रिपीट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ओके लुक एट द टू ग्रुप्स ऑफ फोर मैंगोज. हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन ऑल. आप क्या करना है, पहले ये दोनों ग्रुप में देखो. ठीक है, कितने कितने मैंगो हैं, फोर फोर मैंगो हैं दोनों ग्रुप्स में, राइट. अब हमें निकालना है कि दोनों ग्रुप्स में टोटल कितने मैंगोज हैं. ओके सो वी कैन राइट देयर आर 4 + 4 = 8 मैंगोज. ओके ठीक है, हम 4 + 4 कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज रिपीटेड एडिशन. ओके ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है. ऑल द इक्वल ग्रुप्स आर एडेड टू फाइंड द टोटल. जो भी सारे इक्वल ग्रुप्स हैं उनको हम टोटल कर देंगे. ठीक है, ऐड कर देंगे उनका टोटल निकालने के लिए. ओके जैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर सिर्फ टू ही ग्रुप्स हैं तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास टोटल आ गया. ओके नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 × 2. अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं. ओके बिकॉज दीज आर टू ग्रुप्स, ये कितने ग्रुप हैं, टू ग्रुप्स हैं. ओके एंड हाउ मेनी मैंगोज, वन ग्रुप हैज, यस एक ग्रुप में चार मैंगोज हैं, राइट. तो 4 × 2. ओके 4 mangoes × 2 groups. ओके एंड देन इज इक्वल टू 8. 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8. ओके सो वी गेट द आंसर, यस 8. ओके अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 4 × 2, क्योंकि 4 क्या है, ग्रुप में कितने मैंगोज हैं. ठीक है, तो 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई. देन हाउ मेनी ग्रुप देयर आर, देयर आर टू ग्रुप्स. ठीक है, अगर तीन ग्रुप्स होते तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होते तो 4 से मल्टीप्लाई करते. ठीक है, मगर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं तो हम यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके एंड देन वी विल गेट द आंसर 8. ओके द सिंबल मल्टीप्लाई इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन. ये जो सिंबल है स्टूडेंट, ठीक है, इंग्लिश में
ये एक्स माना जाता है, राइट। एक्स फॉर एक्स मिस्ट्री। ओके, सो ये जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ओके, इट कैन ऑल्सो बी रीड एज टू ग्रुप्स ऑफ फोर आर एट, और हम इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं, टू ग्रुप्स ऑफ फोर आर एट। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलो एंड फिल इन द बॉक्सेस। अब हमें इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है, ठीक है, और हमें क्या करना है, ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें हमें फिल करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी ग्रुप्स दीज आर। यस, दीज आर थ्री ग्रुप्स। ओके, वन टू एंड थ्री। ओके, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स अ ग्रुप हैज। एक ग्रुप में कितने फ्लावर हैं, लेट्स काउंट, वन टू एंड थ्री। सो कितने फ्लावर हैं यहाँ पर, थ्री फ्लावर हैं एक ग्रुप में। ओके, सो लेट्स राइट थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री फ्लावर्स ईच इज इक्वल टू नाइन। ओके, बिकॉज अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, और अगर हम इनको रिपीट एडिशन करते हैं, ठीक है, जस्ट सी थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री। ओके, एक ग्रुप में थ्री फ्लावर हैं और कितने ग्रुप हैं हमारे पास, थ्री हैं, तो हम इसको थ्री टाइम लिखेंगे, वन थ्री टू थ्री एंड थर्ड थ्री। ओके, जब हम इसको तीन टाइम लिख देंगे एडिशन कट साइन लगाकर, तो हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। सो द आंसर इज नाइन। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ओके, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू नाइन। थ्री का टेबल पढ़ो थ्री टाइम्स, थ्री वन ज थ्री, थ्री टू ज सिक्स, थ्री थ्री ज नाइन। सो आंसर क्या आया हमारा, नाइन आया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी फ्रीली। ओके, सो थैंक यू सो मच।